टीवी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर के निधन के बाद दिव्या भटनागर से जुड़ी कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें भी वायरल हो रही है, जिसे जानने के बाद दिव्या भटनागर के परिवार और फैंस को लगा है काफी बड़ा झटका। जी हां, दिव्या भटनागर जहां पर टीवी एक्ट्रेस डेवलिना भट्टाचार्य ने इस बात का दावा करते हुए वीडियो में इस बात का खुलासा किया था कि दिव्या भटनागर का पति गगन गबरू दिव्या भटनागर को मारता था और उसके साथ बदसलूकी करता था। और इस बीच अब खबर ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि दिव्या भटनागर का चेहरा मारपीट की वजह से पूरी तरह से सूजा हुआ है और चेहरे पर निशान भी पड़े हुए हैं मारपीट के। बता दें कि ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन जहां पर ये खबर वायरल हो रही है, वहीं दूसरी तरफ दिव्या भटनागर के पति ने भी एक वीडियो शेयर की है। बता दें कि मारपीट के आरोपों के बाद दिव्या भटनागर के पति गगन गबरू ने शेयर की है दिव्या की कई सारी वीडियोस, जहां पर इस बात का दिव्या के पति गगन ने दावा किया है कि वो शादी के बाद काफी खुश थी और घर में किस तरह अपने पति के साथ रहती थी इसका भी खुलासा कर दिया है। तो इस तरीके से अपने ऊपर लगे हुए हर एक इल्जाम को नकारते हुए नजर आ रहे हैं दिव्या भटनागर के पति गगन गबरू। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।